गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये नज़म जो है, आज मैं आपको नज़म पढ़ाऊंगी। ये नज़म है सारी दुनिया के मालिक, और ये है फोर्थ क्लास के लिए। तो ये फोर्थ क्लास की बुक है, और फोर्थ क्लास की बुक आप लोग देख लेना फोर्थ वालों। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ऊपर जो अल्फाज हैं वो हम पढ़ेंगे। आस आस होता है उम्मीद, बास बास का मतलब होता है खुशबू। उसके बाद है थल, थल का मतलब है ज़मीन, और जोत जोत होता है रोशनी, जल जल होता है पानी। तो नज़म का क्या नाम है? सारी दुनिया के मालिक। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। ये नज़म जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी हुई है, और इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया, सारी दुनिया का जो मालिक है वो कौन है? वो अल्लाह है, वो खुदा ताला है। राजा और प्रजा के मालिक। राजा तो होता है बादशाह, और प्रजा होती है अवाम। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई बादशाह है या कोई आम सा आदमी है, सबका मालिक जो है वो खुदा ताला ही है। सबसे अनोखे, सबसे निराले, आँख से ओझल, दिल के उजाले। कहता है सबसे अनोखे हैं, सबसे अलग थलग। आँख से जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल के अंदर जिनसे रोशनी है, जो हमारे अंदर दिलों में रोशनी डालता है, वो कौन है? वो हमारा मालिक है। वो मालिक कौन है? वो अल्लाह ताला है। नाव जगत की खीने वाले, दुख में सहारा देने वाले। नाव होता है कश्ती, और जगत होता है दुनिया। कहता है दुनिया की जो नाव है वो चलाने वाला, और दुख में हमें जो सहारा देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें किसका सहारा होता है? अपने अल्लाह का, अपने खुदा ताला का। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। जोत का मतलब होता है रोशनी, जल होता है पानी, और थल होता है ज़मीन। कहता है जोत है यानी रोशनी है तेरी, किसको कह रहा है? अल्लाह ताला से कह रहे हैं शायर कि जोत है तेरी, रोशनी है तेरी जल और थल में, यानी कि पानी और ज़मीन में। बास है तेरी फूल और फल में। बास होता है खुशबू, खुशबू तेरी जो है वो किस में है? फूल और फल में है। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। कहता है दुनिया के जितने भी लोग हैं, हर बंदे के दिल में तेरा ही बसेरा है, और ए मेरे अल्लाह तू पास है, और घर जो है वो तेरा, वो चाहे दूर है लेकिन तू हमारे दिलों में, हमारे दिलों में है, यानी घर, दिल के घर में रहता है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। यानी कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग दुनिया में अकेले हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, तू उनका रखवाला है। तू है अंधेरे घर का उजाला, जिस घर में कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, जिन्हें कोई साथ देने वाला नहीं है, उस घर में भी तेरी वजह से उजाला होता है, तेरी ही वजह से रोशनी होती है। बेआंसू की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। जिनको कोई आस नहीं होती, जिनको कहीं कोई उम्मीद नहीं होती, जिनका कोई आसरा नहीं होता, जिनका कोई भरोसा नहीं होता, उनके पास भी तू ही होता है। चाहे वो जागते हों, चाहे सोते हों, लेकिन उनके पास हमेशा तू ही रहता है। कौन रहता है? यानी अल्लाह ताला रहते हैं। सब सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में काम आने वाले। कहता है जब हम कुछ सोचते हैं, शायर फरमाते हैं कि जब हम कुछ सोचते हैं
तब भी हमारा जो दिल है वो कौन बहलाता है? वो खुदा ताला ही बहलाते हैं। विपता में काम आने वाले, विपता हो गया मुसीबत, यानी कि हम जब भी हमें कोई मुसीबत पड़ती है तो हमें उस मुसीबत से छुटकारा कौन दिलाता है? अल्लाह ताला ही छुटकारा दिलाते हैं। खिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब अल्लाह से रूबरू होते हैं और कहते हैं, अल्लाह से फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है वो ही हमारा आसरा है, उन्हीं की वजह से जो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी पे पत्ते हैं, वो उन्हीं की वजह से हिलते हैं। यानी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो कोई हवा नहीं चलती है, कोई पत्ते नहीं हिल सकते हैं। वो पत्ते हिलते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की वजह से ही हिलते हैं। खिलती हैं कलियाँ तेरे खिलाए, यानी जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, जो जब वो फूल बनती हैं तो वो जो फूल बनती हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही फूल बनती हैं। तू ही डुबोए तू ही तेराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब फरमाते हैं कि मेरा खुदा ही बेड़ा जो है वो डिबोता भी है और मेरा खुदा ही बेड़ा जो है वो तैराता भी है। तू ही बेड़ा पार लगाए, यानी खुदा ताला से कह रहे हैं कि तू ही है कि जो हमारा बेड़ा पार लगाएगा। जब हमें कोई भी मुसीबत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हम किससे दुआ करते हैं? हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और दिलों में सुकून आता है, क्योंकि वही इस सारी दुनिया का मालिक है। तो हमारी आज की इस नज़म का टॉपिक क्या था? सारी दुनिया के मालिक। तो कौन है सारी दुनिया का मालिक? सारी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, खुदा ताला है। तो ये बच्चों आपकी नज़म थी जो मैंने पढ़ाई है, और इसको आपने याद करना है और अपनी कापी पे लिखना भी है, और ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए ये नज़म। थैंक यू।